कोरोना संकट में बेरोजगार हुए औद्योगिक कामगारों के लिए सरकार ने बहुत अच्छी खबर दी है। ऐसे कर्मचारियों को उनके पिछले 3 महीने के वेतन के औसत के करीब 50% तक की रकम अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के रूप में दी जाएगी। इस निर्णय से करीब 40 लाख कामगारों को फायदा हो सकता है। सरकार ने नियमों को लचीला बनाते हुए यह तय किया है कि कोरोना संकट में नौकरी गंवा चुके औद्योगिक कामगारों को उनके 3 महीने के वेतन का आधा यानी 50% तक अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के रूप में दिया जाए। यह फायदा उन कामगारों को मिलेगा जिनकी इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर तक नौकरी चली गई हो। बिजनेस अखबार मिंट के मुताबिक यह प्रस्ताव गुरुवार को कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी की बैठक में रखा गया था। ईएसआईसी श्रम मंत्रालय के तहत आने वाला एक संगठन है जो 21,000 रुपए तक के कर्मचारियों को ईएसआई स्कीम के तहत बीमा मुहैया करती है। ईएसआईसी के बोर्ड की सदस्य अमरजीत कौर ने बताया कि इस कदम से ईएसआईसी के तहत बीमित योग्य व्यक्तियों को उनके 3 महीने तक उनके वेतन के 50% तक रकम नगद सहायता के रूप में दी जाएगी। गौरतलब है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार कोरोना संकट की वजह से करीब 1.9 करोड़ लोग नौकरियां गंवा चुके हैं। सिर्फ जुलाई महीने में ही 50 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। हालांकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुसार जून महीने में 4.98 लाख लोग औपचारिक कार्यबल से जुड़े हैं। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।